वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारत इस वक्त एक नहीं दो दो मोर्चों पर दुश्मनों की चुनौती का सामना कर रहा है। एलएसी पर माइनस तापमान में देश के जवान सीना तान कर खड़े हैं और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाकिस्तान के सामने सरहद पर सुरक्षा में डटे हैं। इसी बीच भारत ने एक ऐसी डील साइन की है जो देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सरकार ने एयरफोर्स के लिए 83 तेजस फाइटर विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है। 83 तेजस 48,000 करोड़ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है ये डील देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 16 एलसीए तेजस लड़ाकू विमान वायु सेना को सौंप चुका है। तेजस 60% हिंदुस्तानी तकनीक से बनाया गया विमान है। तेजस की स्पीड 1.6 मैक यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये कि तेजस की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना ज्यादा है। तेजस में एक साथ 9 तरह के हथियार लोड और फायर किए जा सकते हैं। 6,560 किलोमीटर वजन वाला तेजस दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट है। तेजस में एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर बारूदी प्रहार करता है। ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। दुश्मन को चकमा देने के लिए यह इजरायली रडार से लैस है। तेजस की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना ज्यादा है। अब सवाल यह है तेजस भारत के लिए कितना जरूरी है। जिस तरह से चीन एलएसी पर और उसकी शह पर पाकिस्तान एलओसी पर साजिशों का ताना बाना बन रहे हैं, ऐसे हालातों में चीन और पाकिस्तान के डबल फ्रंट के डबल डेंजर से निपटने के लिए भारत तैयार है। आर्मी चीफ चीन और पाकिस्तान दोनों को मैसेज दे चुके हैं। वो बता चुके हैं कि सरहद पर हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की सेना हर दम तैयार है। तेजस स्वदेशी विमान है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। पाकिस्तान के JF-17 थंडर विमान से कई गुना ताकतवर और तेज है तेजस। चीन के फाइटर जेट के लिए भी तेजस चुनौती समान है। तेजस के आने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है वायु सेना को मजबूती के लिए यह फैसला लिया गया है। भारतीय रक्षा विनिर्माण सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह डील रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। तेजस की खरीद को मंजूरी मिलने पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा हमारा जोर स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पर है। हमें उम्मीद है हमारी वायुसेना बुलंदियों का आसमान छुएगी, जिसका हिस्सा तेजस भी है। तेजस के इंजन को भारत में विकसित किया गया है। हमारा मुख्य जोर भविष्य की लड़ाइयों में स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल के लिए तैयार करना है। अगस्त 1983 में हल्का युद्धक विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। इसके 18 साल बाद 8 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान भरी। साल 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस फाइटर जेट को तेजस का नाम दिया था। संस्कृत में तेजस शब्द का मतलब होता है असीम शक्ति यानी सबसे शक्तिशाली। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।